बेहद बेहद बड़ी खबर, बड़े तीन टॉप एक्टर्स के फोन सर्विलेंस पे रखे हुए हैं, फोन टैप सर्विलेंस पे रखे, उनके फोन पर एनसीबी की नजर है। तीन बड़े सितारे हैं जिनके कॉन्टैक्ट ड्रग पेडलर्स, और जो 45 लोगों के फोन सीज किए गए उसमें से 18 लोगों की फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है, डेटा रिट्रीव की रिपोर्ट आई है, उनसे लिंक होते हुए तीन बड़े सितारों के फोन जो है वो टैपिंग पे सर्विलेंस पे रखे हुए हैं और उनसे अहम जानकारी आ सकती है। मैं आपको बता दूं, इस पूरे बॉलीवुड के ये ए लिस्टर्स बेनकाब होंगे और इसके लिए अलग अलग शहरों से भी बुलाए गए हैं एनसीबी के अफसर। मैं आपको बताऊँ, मुंबई के अलावा अगर आपको बताऊँ तो चेन्नई, हैदराबाद और सॉरी अहमदाबाद, इंदौर, चेन्नई और बेंगलुरु, अहमदाबाद, इंदौर, चेन्नई और बेंगलोर से एक्स्ट्रा टीम बुलाई गई है जांच करने के लिए, क्योंकि एनसीबी मुंबई की टीम के 20 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खबर है। आपको बता दूं, बड़े सितारों से ऑलरेडी पूछताछ हो रही है, ऐसे में तीन बड़े एलिस्टर्स के फोन सर्विलेंस पर रखना एक बहुत बड़ी खबर है। सुशांत राजपूत की मौत होने के बाद लगातार ये केस नए नए चीज़ें नए नए टर्न लेकर आ रहा है और बड़े बड़े सितारों को अपनी चपेट में ले रहा है। अब जिस दिन दीपिका, सारा और श्रद्धा एक साथ गए थे उस दिन ऑलरेडी हरदम मच गया था। अब अगर तीन बॉलीवुड स्टार्स, तीन टॉप एलिस्ट स्टार्स के फोन अगर सर्विलेंस पर रखे जाए, इससे पूरी इंडस्ट्री जो है दहल जाने वाली है, क्योंकि एक तो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड चैट्स लोगों की बाहर आ गई, लोग ऐसे ही परेशान हैरान हैं। अब अगर तीन सितारों के फ़ोन सर्विलेंस पर रखे गए, यानी पूरी की पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है थर थर कांपेगी, उनको पता नहीं कब किसका नंबर आएगा, कब कहां से कोई घुसपैठिया असलियत जान लेगा, कोई खोजी स्पाई जो आकर कुछ जान लेगा, इस बात का खतरा, इस बात का डर सभी बॉलीवुड वालों को सताएगा। ये खबर उनको डराने वाली है। बने रहे हमारे साथ, लगातार खबरों का सिलसिला जारी है।